हेलो नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सरोज। मेरे किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज आपको हम बहुत ही इजी तरीके से बिल्कुल मार्केट जैसी रसमलाई कैसे बना सकते हैं, बहुत ही इजी तरीके से वो बताएंगे। और सिर्फ हमारे जो घर में दूध होता है उसी से बन जाती है और बहुत ही इजी है तरीका दोस्तों बनाने का। और दोस्तों, पूरा वीडियो एंड तक देखना, इसकी बिल्कुल भी मत कीजिए, नहीं तो पूरा वीडियो समझ में नहीं आएगा। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है सबसे पहले दूध। तो दूध को हम कर लेते हैं अच्छे से गरम। तो यहाँ पे देख सकते हैं दूध हमारा गरम होने लगा है। और बहुत ही ईजी है तरीका ये बनाने का दोस्तों, तो आपका कोई भी घर का मेम्बर बना सकता है। तो यहाँ देख सकते हैं दूध हमारा अच्छे से उकाल आ चुका है। और ये मैंने लिए कटोरी, तो इसमें हम डालेंगे जो छिरका होता है वो वाला लिया है मैंने। तो इसमें हम 2 चम्मच ये डालेंगे, 2 से 3 चम्मच, क्योंकि इससे बहुत ही इजी तरीके से दूध फट जाता है। तो यहाँ पे इसमें हम थोड़ा सा पानी भी डाल देते हैं, क्योंकि पानी से बहुत ही अच्छी तरीके से फट जाता है। और आप टाटरी से भी फाड़ सकते हैं दूध को, आप नींबू के रस से भी फाड़ सकते हैं, आपके पास में जो भी है आप उसी से दूध को फाड़ सकते हैं। तो हम इसको इससे फाड़ लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये मैंने लिए है, कोई भी कपड़ा आप ले सकते हैं काम में। तो ये मैंने कपड़ा लिया है, तो दूध हमारा फट चुका है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम इसको डाल दिए इसके अंदर। और अब हम दूध को निकाल, जो हमारा पनीर बन चुका है, तो पनीर को हम इस तरीके से ठंडा कर लेते हैं। और इसमें हो जो दूसरा वाला पानी है वो वाला पानी डालेंगे, क्योंकि ये थोड़ा खट्टा हो जाता है इससे। यहाँ पे देख सकते हैं पनीर आपका इस टाइप का बनना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनना चाहिए पनीर। तो मैंने इसको बहुत ही अच्छे से धो भी लिया है, देख सकते हैं बिल्कुल साफ़ अच्छे से पानी में मैंने धो लिया है। और अब इसको हम निकाल लेंगे अच्छे से, ताकि ये बिल्कुल ईजी तरीके से निकल जाए। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसको हम इस तरीके से प्रेस करते हुए, जो इसका जो एक्स्ट्रा पानी है ना, वो हमें इस तरीके से निकालते रहना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पानी हमारा अच्छे से निकल चुका है, देख सकते हैं मैंने पूरा पानी निकाल लिया। इसमें हल्की सी नमी हमें रखना है पनीर के अंदर, ताकि जब इसकी रसमलाई बने तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बने, बहुत ही अच्छी बने। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसको मैंने, देख सकते हैं पानी इसके अंदर मैंने बिल्कुल निकाल लिया है। और हल्का सा मैंने इसको थोड़ा सा ऐसे रखा है, जैसे थोड़ा सा ये थोड़ा गीला टाइप का हो। और ये चाशनी बनाने के लिए मैंने लिया है चीनी, और मैंने इसमें पानी डाल दिया है। तो चीनी से हमें डबल पानी डालना है, और उसको अब हम ठंडा कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं चाशनी मैंने बनाने के लिए इसको हम 3 गुना ज़्यादा पानी डालें, क्योंकि चाशनी हमें बिल्कुल पतली चाहिए रसमलाई के लिए। और ये जो हमारा पनीर है, इसमें मैंने लिया है कॉर्नफ्लोर, आप आरारोट पाउडर भी डाल सकते हैं, कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं, आपके पास में जो है इजी है वही आप डाल सकते हैं। और इसको डालने के बाद में हम इसको अच्छे से मसल कर इसको बिल्कुल चिकना कर लेंगे, ताकि ये बहुत ही अच्छी तरीके से चिकना हो जाए। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये अच्छे से चिकना होने लगा है। तो इस तरीके से हमें इसको चिकना कर लेना है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बहुत ही ज़्यादा अच्छे से चिकना हो चुका है ये, तो इतना चिकना कर लेना है इसको। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से चिकना हो चुका है। तो ये हमारा जो रसगुल्ले बनने लायक जो बैटर है वो तैयार हो चुका है। तो अब इसके हम रसगुल्ले बनाना स्टार्ट कर लेते हैं, और बिल्कुल छोटे बनाना है, हमें रसमलाई बना रहे हैं तो हमें बिल्कुल छोटी साइज की बनाना है। तो इस तरीके से हमें छोटे छोटे बना लेना है सभी को। तो यहाँ पे देख सकते हैं छोटी छोटी लोइयाँ हमने तोड़ ली है।
तो यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल छोटी छोटी लोइयाँ मैंने तैयार कर ली है। तो अब इसकी हम रसमलाई बना के तैयार कर लेते हैं। और यहाँ पे हम जो रसमलाई के अंदर जो रसगुल्ले के अंदर जो झाग आते हैं ना, उसके लिए मैंने 2 चम्मच इसमें मैदा के लिए हैं, तो मैदा के पानी बना के तैयार कर लेते हैं। और ये देख सकते हैं हमारी सभी रसगुल्ले बन के तैयार हो चुके हैं। तो अब इनको हम डायरेक्ट चाशनी के अंदर डाल देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इसको चाशनी के अंदर डाल दिया है। और अब इसको 10 से 15 मिनट के लिए हमें बिल्कुल फुल गैस पे पकाना है, ताकि ये बिल्कुल अच्छे से जो फूल सके और बहुत ही अच्छी तरीके से हमारी जो रसमलाई है वो बन सके। तो एक एक करके हम सभी को इसके अंदर डाल देते हैं। तो इस तरीके से हम इसको 20 मिनट के लिए, 10 से 15 मिनट के लिए आपको पकाना ही है इसको। और गैस का फ्लेम बिल्कुल फुल रखना है, इस टाइम में आपको बिल्कुल भी कम नहीं रखना है गैस का फ्लेम। तो 10 से 15 मिनट के लिए तो कम से कम हमें पकाना है, और इसको ढक के पकाना है। और जब ये उकाल अच्छे से आ जाए तो इसमें जो मैंने जो पानी तैयार किया था वो पानी हम डाल देंगे, ताकि इससे जो हमारे रसगुल्ले में है बहुत ही अच्छी तरीके से झाग तैयार होंगे। तो एक एक चम्मच करके हमें इसका डालना है इस तरीके से, ताकि इससे अच्छे झाग बनेंगे और हमारी जो रसमलाई है बहुत ही अच्छी, देख सकते हैं तो आपको दिख रहा होगा बिल्कुल फूल करके डबल साइज इनका हो चुका है। और जब चाशनी गाढ़ी हो जाए तो आपको इसके अंदर पानी भी डालना है। तो पानी की मात्रा आपको बहुत ज़्यादा रखनी है। तो ये बनके तैयार हो चुके हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं बनके तैयार ये हो चुके हैं। तो मैंने रसमलाई के लिए ये दूध लिया है, तो दूध को भी अब हम गर्म कर लेते हैं। और ये हमारे रसगुल्ले भी तैयार हो चुके हैं बन करके। तो 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से सॉफ्ट अंदर से बन चुके हैं ये। तो अब इनको हम निकाल लेंगे। तो ये देख सकते हैं जो इनका झाग है वो कितनी अच्छी तरीके से फूल रहे हैं। ये फूल करके बिल्कुल परफेक्ट तरीके से तैयार हो चुके हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इनका साइज डबल हो चुका है फूल करके। तो और ये हमारी जो रसमलाई के लिए भी दूध तैयार हो चुका था, और मैंने इसके अंदर चीनी डाल दी है। तो चीनी डालने के बाद में हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से हमारी जो रसमलाई है वो भी बनके तैयार हो चुकी है। तो देख सकते हैं हमारे जो रसगुल्ले वो भी बहुत ही अच्छी तरीके से बन चुके हैं। इलायची पाउडर मैंने इसके अंदर डाल दिया है, और अब इसके अंदर जो रसगुल्ले हैं वो हम डाल देते हैं, ताकि ये बिल्कुल अच्छे तरीके से, इनके अंदर भी जो मैंने थोड़ी सी पिस्ता भी डाली है, ड्राई फ्रूट आपके पास में जो भी हैं आप वो डाल सकते हैं। तो ये देख सकते हैं मैंने वो डाल दिए थे रसगुल्ले, और ये हमारी बहुत ही अच्छी तरीके से रसमलाई बनके तैयार है दोस्तों। और बहुत ही ईजी है तरीका बनाने का, तो आपका कोई भी घर का मेंबर बना सकता है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।